वेलकम बैक गाइस, क्या सब सभी लोग, आज हम लोग एक नया हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जिस गेम का नाम है हेलो नेबर। और इस गेम का स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है, इस गेम के अंदर एक किडनैपर ने एक बच्चे को किडनैप करके रखा है, उस बच्चे को हमें बस आजाद करना होगा। लेकिन ये बात सुनने में जितना आसान लग रहा है लेकिन करने में उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। क्योंकि ये किडनैपर कोई नॉर्मल किडनैपर नहीं होने वाला है, बहुत ही ज्यादा शातिर और बहुत ही ज्यादा चालाक होने वाला है। और इतना आसान नहीं है इस बच्चे को इस किडनैपर के घर से एस्केप करवाना। चलो अभी जो भी है गेम के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। गेम को मैंने ये पर स्टार्ट कर दिया है, शायद से ये रहा उस किडनैपर के घर और उसके सामने आके ये फुटबॉल जो है रुक गया। अभी ये पर कुछ तो खतरनाक सीन होने वाला है। और अभी तक हमारा गेम प्ले जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बस गेम का इंट्रो है, मैंने स्किप नहीं किया क्योंकि गेम का इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये पर सामने कुछ तो हुआ है, कोई किसी को मार रहा था ऐसा साउंड आया। हाँ, और सामने देखो वही किडनैपर किसी को पीट रहा है, शायद से भाग गया। मेरे ख्याल से इसी बच्चे को हमें एस्केप करवाना होगा। विंडो से देख लिया क्या मेरे को? शायद से नहीं देखा, मैं पूरा घर के सामने चला गया। हाँ? भाई मैं भी मरूंगा भाई, अगर ये मेरे को देख लेगा ना तो उसके साथ मेरे को भी किडनैप करके बंद कर देगा। विंडो से झांक के देखते, देखो उस बच्चे को इस रूम के अंदर बंद कर दिया। ये बच्चा तो गंदा वाला चीख रहा है, डोर पे एक लॉक लगा दिया इसने, ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो परेशान लग रहा है मेरे को, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसने मेरे को देख लिया भाई, मैं गया, भागने का ऑप्शन भी नहीं है कि मेरे को भी पकड़ेगा। विंडो तोड़ के बाहर आ गया भाई जंप करके, और डोर पे एक रेड कलर का ताला लगा दिया और उसके पास एक रेड कलर का चाबी है, और ये चाबी एक टेबल के ऊपर रख दिया है। लेकिन ये वाला कमरा कहाँ पर है? ओ, बच्चे को नीचे वाले कमरे में बंद कर दिया, चाबी ले जाके ऊपर वाले कमरे में रख दिया। बस अभी हमारा मेन मकसद ये है कि उस चाबी को हमें लेके आना होगा। ये क्या, घर के बाहर मेरे को फेंक दिया उठा के? ओके, तो अभी हमारा ये पर गेम जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी बस हमारा एक ही मकसद है, ऊपर जाके उस चाबी को लेके आना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। और ये रहा सामने उस किडनैपर का घर, उतना खास भी नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है। उसका एक कार भी है इधर जो कि लॉक्ड है, इसका चाबी वगैरह मेरे को घर के अंदर मिल सकता है। लेकिन घर के अंदर भाई ये देखो, ये तो सो रहा है भाई, ये इसका बेडरूम है, ये देखो सो रहा है सामने, सोते रहे भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। बस घर के चारों तरफ देख लेता हूँ और क्या क्या इधर है। घर के पीछे के साइड पे एक विंडो खुला हुआ है, लेकिन साइड पे देखो एक सीढ़ी है, सीधा जा रहा है छत पे ऊपर, लेकिन ये ना लॉक करके रखा है। इधर एक नट लगा हुआ है, इसके लिए हमें चाहिए एक रेंज। हो भाई, रेंज तो इस घर के अंदर ही है मेरे को दिख रहा है, और एक लॉक पिक टाइप कुछ ऐसा पड़ा हुआ है घर के अंदर। मुझे कुछ भी करके उस रूम के अंदर जाना होगा क्योंकि उस रूम के अंदर बहुत सारे काम का सामान पड़ा हुआ है। लेकिन उस रूम के अंदर पक्का इसने लॉक लगा के रखा होगा। मैंने एक बार मेन गेट के सामने नहीं, एक बार देख लेता हूँ ये सो रहा है भाई। ये साउंड कैसा है भाई, इसने मेरे को देख कैसे लिया? आजा आजा बेटा आजा, मेरे को तो पकड़ नहीं पाएगा, मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। लेकिन ये भी तो कम नहीं है, गया क्या? नहीं, वापस से आ रहा है, ये जा रहा था पीछे। एंड अभी ना सही टाइम है इसके घर के अंदर एंटर होने का, क्योंकि ये अभी घर के पीछे घूम रहा है, तो मैं अभी घर के अंदर घुस जाता हूँ। देख लेते हैं इधर क्या क्या पड़ा हुआ है। इधर इसका बेडरूम है, और इधर देखो ये वाला रूम एक सिल्वर कलर का लॉक लगा के रखा है, और सीढ़ी वगैरह तो कुछ भी नहीं है दूसरे फ्लोर में जाने का। और उस साइड पे बस एक ही कमरा है जिसमें एक रेड कलर का, अबे क्या दिखा रहा है भाई, मेरे को पता है स्टार्टिंग में ये सब प्रॉब्लम होता है। और इधर देखो सीढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो मेरे पीछे आ गया भाई, पकड़ लिया यार। बट अभी ना मेरे को एक बात तो पता चल गया है, घर के अंदर से दूसरे फ्लोर में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन बाहर से ही तो रास्ता है। देखो इधर से एक छोटा सा सीढ़ी है, मैं इसके ऊपर चढ़ के सीधा छत के ऊपर जा सकता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर, उसके बाद इस विंडो के साइड पे जाके विंडो तोड़ के मैं घर के अंदर एंटर हो सकता हूँ। इसके लिए बस मेरे को दो चार बॉक्सेस चाहिए जो कि घर के पीछे पड़ा हुआ था, मैंने देखा था। चार पांच बॉक्स उठा लेते हैं, देखते हैं कितने उठा सकते हैं हम। पर ये किडनैपर अभी कहाँ पर घूम रहा है? जो भी है ये पर बॉक्स मेरे को मिल चुका है। अबे हर चीज़ मेरे को दिखाना जरूरी है क्या? हाँ ये फेंकने का है, मेरे को पता है भाई, उठा ले। और दो जगह है। हाँ भाई मेरे को खेलने मत दो भाई, पहले ये सब कर लो भाई, उसके बाद मेरे को खेलने देना। ये पर एक और बॉक्स मैं उठा सकता हूँ, बस चार, इससे काम हो जाएगा। अभी जल्दी से चलते हैं सीढ़ी के साइड पे, बस ये किडनैपर उसी टाइम इधर ना आ जाए वरना गड़बड़ हो जाएगा। इधर कोई भी नहीं है, चलो चुपके से ऊपर चलते हैं, बस नीचे गिर मत जाना, जंप एक और बस। अबे चल भाई अटक रहा है, ये पर एक बॉक्स रख देते हैं। अबे मैं नीचे गिर गया, लेकिन बॉक्स तो सही जगह पे है। अभी ऊपर चढ़ के उस बॉक्स के ऊपर जाना होगा, उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर से जंप करके सीधा छत के ऊपर मैं जा सकता हूँ। इस बार देखते हैं, इस बार मैं एक जंप पे सीधा आ गया, बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी शायद से। अभी जंप करके सीधा उसके ऊपर, एक सेकंड, नहीं नहीं भाई उस साइड पे हम नहीं जा सकते, इधर जंप करते भाई गिर जाता अभी मैं। अभी सीधा जंप करके इधर, अभी इस बॉक्स को फेंक के इस विंडो को तोड़ दे तो मैं घर के अंदर जा पाऊँगा। टूट जा, यस अभी टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर एक सीढ़ी तो है। अभी ये खतरनाक वाला म्यूजिक, और इस सीढ़ी से अभी गिरने पर ना आ जाए। ओ ये क्या सीन है, पीछे हटो पीछे हटो भाई, शायद से ये मेरे आसपास ही है। ऊपर आने का जो रास्ता है इसने ना पूरा बंद करके रखा है, लेकिन जो भी है अभी ये ऊपर शायद से नहीं आ पाएगा। इधर एक पंखा है, इधर एक लीवर है, और नहीं उड़ा है,
पता नहीं क्यों। और मेरे को ना इस कमरे के अंदर खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय दो तीन पेंटिंग के। एक सेकेंड भाई, इधर भी एक और डोर है, इसके पीछे क्या है पता नहीं चल रहा है, बट ये किडनैपर की डर लग रहा है मेरे को। क्या पता ये डोर तोड़ के कब ऊपर आ जाए। इसको भाई कुछ ऑन नहीं हो रहा है, ये डोर भी इसने लॉक करके रखा है। और इधर एक पेंटिंग है भाई, कैसा पेंटिंग है। एक सेकेंड, इस छोटे वाले को तो मैंने हटा दिया लेकिन इस बड़े वाले को भी हटाना होगा, इसके पीछे कुछ होगा पक्का, देखना। हट जा। मेरे को पता था भाई इस पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलेगा, लेकिन ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा शोर हो चुका है, बट ये ऊपर ना जाए ये किडनैपर। अभी मैं इस कमरे के अंदर आ चुका हूँ और इधर एक चाबी लगा हुआ है, और ये चाबी इसी डोर का ही है, इसे अनलॉक कर देते हैं भाई। हाँ? सब कुछ एक साथ ही दिखा लो भाई, बार बार क्यों ऐसे करते हैं गेम के टाइम पे। भाई अनलॉक हो जा भाई, खोल तो दिया मैंने लॉक, अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है, कैसे इन्हें। अबे खुल जा भाई, गेम में ग्लिच ग्लिच हो गया क्या। इतने टाइम बाद जाके ये डोर जो है अनलॉक हो रहा है, और इधर कुछ पड़ा हुआ है क्या। देखो इसके पीछे भी एक और डोर है, इसके पीछे कैसे जाऊँ भाई, समझ में नहीं आ रहा है। इस रूम के अंदर खास कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे को अभी ना एक चाबी मिला है, मैं नीचे गिर गया। आ जा भाई। अभी ये किस चीज़ का चाबी है, कार का चाबी। देखो चाबी के ऊपर कार वाला एक साइन है, ये कार का ही चाबी है, उसको उठा लिया। अभी ऐसे जल्दी से नीचे चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार देख लेता हूँ और कुछ काम का चीज़ नहीं है। अभी नहीं ऐसे नीचे चलते हैं, कुछ भी नहीं है। और भाई ज़्यादा ज़ोर से जंप कर दिया, इधर एक बॉक्स से इसे उठा लेते हैं। अभी आ जा भाई हाथ में, थोड़ा बहुत ग्लिच तो है गेम में। और ये वाला चाबी ना मैं फेंक देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। और एंड ये ऐसे मैं नीचे जंप करता हूँ, बस किडनैपर नहीं नहीं आसपास नहीं है। अभी ऐसे चुपचाप निकल जाते हैं। किडनैपर किस तरफ है, पीछे भी नहीं है घर के, शायद से घर के अंदर होगा या फिर खर्राटे मार रहा होगा बेड में अपना। क्या भाई, कार के डिक्की में चेक कर लेते हैं क्या पड़ा हुआ है। चलो ये पर रास्ता पूरा खाली है, इसको अनलॉक करते हैं। खुल जा भाई, क्या हो क्या रहा है इधर, गेम में पक्का ग्लिच है, इतने टाइम बाद जाके अनलॉक हो रहा है। इधर से मेरे को एक मैग्नेट मिला, इसका क्या काम है आखिर। एक सेकेंड रुको, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो होगा। ये पर मेटल का एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, नहीं नहीं ओ देखो मेटल के चीज़ है ना, मैग्नेट के साइड पे आ जाता है दूर से। ये मैग्नेट तो अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। घर के पीछे जो छोटा सा विंडो था ना, उस रूम के अंदर जितने भी लोहे के सामान है उसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, लेकिन उतना हाइट तो मेरा जाएगा नहीं। देखो घर के अंदर बहुत सारे मेटल के चीज़ रखा हुआ है, और इसके साथ एक लॉक पिक भी उधर रखा हुआ है, शायद से इसी रूम का वो लॉक पिक है। और मेरे को ना दो चार बॉक्सेस चाहिए, लेकिन इधर से मेरे को एक बॉक्स मिला है, तीन बॉक्स अपने पास हो चुका है। ये पर मेरे को ऐसे बॉक्स रखना होगा, इसके ऊपर चढ़ के मैं सारा सामान ले सकता हूँ। एक बॉक्स रख दिया, इसके ऊपर दूसरा, एंड इसके ऊपर एक और बॉक्स। लेकिन ये किडनैपर काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहा है जो भी है। ये पर तीसरे बॉक्स को भी इन्होंने रख दिया, शायद से मेरे को एक और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगा। घर के सामने के साइड पर जाके देखते हैं, एक दो बॉक्स तो मेरे को मिल ही जाएगा इधर से, नहीं मिला तो ऊपर जाके लेके आएंगे। इधर कुछ भी पड़ा नहीं है, एक भी बॉक्सेस नहीं है इधर, सब कुछ ऊपर लेके चला गया क्या मैं। एक सेकेंड, इस सीढ़ी के ऊपर भी एक बॉक्स तो रखा हुआ है ना, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही उठा लेते हैं अभी। आ जा भाई हाथ में, आ जा थोड़ा सा और ऊपर। चलो अभी मेरा काम शायद से हो जाएगा, लेकिन ये किडनैपर बीच में ना आ जाए। और मैं ना एक चीज़ तो भूल रहा हूँ, क्योंकि इस घर के अंदर मतलब इस जो रूम है इसके अंदर एक और रेंच भी तो पड़ा हुआ है ना, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, मतलब छत के ऊपर जा सकता हूँ। ये बॉक्स जो है नीचे गिर गया, सही से रखना होगा मेरे को। सेट हो जा, अभी सही है, बस ये गिर ना जाए, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा हो चुका है। इसके ऊपर से जंप करके बॉक्स के ऊपर जाने की कोशिश नाकाम हो गया, दोबारा से कोशिश करते हैं। एंड बहुत जोर लगा दिया, नहीं नहीं अभी मैं सही आ चुका हूँ इसके ऊपर। अभी ये क्या आ गया भाई, एक क्रोबर आ चुका है मेरे पास, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। अरे लॉक पिक जो इसके भी ले लेते और रेंच। ओ भाई रेंच को ना हम ऐसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उधर एक हुक से उसको बंद करके रखा है, ये किडनैपर का ही नज़र नहीं आ रहा है। उसके ऊपर डाउट हो रहा है, क्या पता कब आके मेरे को धप्पा कर दे। लेकिन अभी ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉक पिक अपने पास है, उस डोर को मैं अनलॉक कर सकता हूँ। हाँ? सामने ना कुछ तो रखा हुआ है, उसे तो बाद में चेक करेंगे, पहले जाके इस डोर को अनलॉक कर देते हैं। ये किडनैपर का ही नज़र नहीं आ रहा है, गया तो गया किधर, जो भी है जिधर भी जाए मेरे को क्या। चलो अभी मैं फाइनली इस रूम को अनलॉक कर दिया, लेकिन ये डोर जो है अनलॉक नहीं हो रहा है, क्या सीन है भाई, इतने टाइम बाद जाके अनलॉक हो रहा है। इस गेम के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, लेकिन जो भी है मेरे को अभी ये रेंज मिल चुका है, अभी ऐसे निकल लेते हैं। लेकिन इधर और कुछ पड़ा हुआ है काम का चीज़, ये मेरे को नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं है इधर खास, मैं अभी निकल जाता हूँ। जहाँ से आता उधर से बाहर चलते विंडो से ही, और अभी ना मैं जाऊँगा सीधा छत के ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं भाई छत के ऊपर आखिर क्या रखा हुआ है, जो इसने सीढ़ी को ऐसे लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन मैं ना अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, क्योंकि ये किडनैपर मेरे को कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी किडनैपर को मारो गोली, अभी मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ, अभी ये रेंज किसी काम का नहीं है, इसे फेंक देते। एंड ये मैग्नेट भी रख लेते अपने पास। अरे भाई मैं नीचे कैसे जाऊंगा भाई, नीचे जंप किया तो बड़े हाथ पैर टूट जाएगा मेरा,
कोई बात नहीं, जोर से जंप करते हैं सीधा इसके ऊपर। और ये ऐसे सीधा नीचे जंप करेंगे तो शायद से कुछ भी नहीं होने वाला है। बेड के ऊपर जंप करते हैं, टेबल के ऊपर आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। और ये रहा वो रेड कलर का, एक सेकेंड इधर देखो, ये डोर इजीली लॉक था, कुर्सी देके रखा था, अभी तो अनलॉक हो जा। क्या हो क्या रहा है इधर, गेम में पक्का ग्लीच है भाई। देखो इतने टाइम बाद जाके डोर अनलॉक हो रहा है। और ये रहा वो रेड की, अभी जल्दी से इस चाबी को लेकर नीचे चलते हैं और उस बच्चे को आज़ाद कर देते हैं। इधर जो विंडो टूटा हुआ है ना, इधर से नीचे चलते हैं। चल भाई बाहर निकल, मेरे पास बहुत सारे फालतू का सामान है, इसको ना पहले फेंक देता हूँ मैं। पहले तो ये मैग्नेट फेंक देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, एक कुर्सी भी फेंक देते हैं। निकल जा भाई, अभी ये क्रोबर को रहने देते, ये अपना काम आ सकता है, क्योंकि ये अभी तक किसी काम में यूज़ नहीं हुआ है तो मैं इसे फेंकने नहीं वाला। ये किडने पर एक्सरसाइज कर रहा था घर के अंदर। आ जा भाई, क्या कर रहा है ये, कुर्सी ऊपर नीचे विंडो तोड़ के बाहर जाम कर दिया। और मेरे लिए यही सही टाइम है उस बच्चे को आज़ाद करने का। डोर अनलॉक हो जा भाई, क्या ग्लीच है भाई, एकदम घटिया ग्लीच है। ओ हाँ? ये मैं कहाँ पर आ गया, अभी गेम के अंदर आ चुका है एक नया ट्विस्ट। मेरे को लगा था ये डोर अनलॉक करने से मेरा गेम जो है एस्केप हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। मैं शायद से अभी किसी बेसमेंट के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन इधर खास कुछ नहीं है भाई। ये कैसा बेसमेंट है, आसपास बहुत सारे अजीब से चीज़ें पड़ा हुआ है, लेकिन ये कौन सा मशीन है मेरे को पता नहीं है। ये तो वॉशिंग मशीन है, ये अनलॉक नहीं हो रहा है ग्लिच की वजह से, या फिर ये ऐसे ही लॉक्ड है। इधर एक बास्केटबॉल मिला मेरे को, ये रख लेते हैं अपने पास, अगर वो आएगा तो मुंह पे फेंक के मारेंगे। मेरे को ना अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से नीचे तो आ गया, लेकिन आखिर मेरे को इधर करना क्या होगा। हाँ? कुछ काम का सामान तो इधर है नहीं, मैं ना कोने कोने पे चेक कर रहा हूँ क्या कुछ मेरे को काम का सामान मिल सकता है। एक सेकेंड भाई, इधर देखो इसके पीछे कुछ तो है, इसे अनलॉक होना चाहिए भाई, ग्लिच की वजह से अनलॉक नहीं हो रहा है। इस वॉशिंग मशीन के पीछे ना वॉल थोड़ा सा टूटा फूटा है, इसे देख के मेरे को शक हो गया था। इतने टाइम बाद जाके इसका डोर जो है अनलॉक हो रहा है, मेरे को अभी पक्का पता चल गया है गेम के अंदर ग्लिच तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वाला डोर एक बारी में अनलॉक हो गया। इधर एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ है, शायद से इसने उस बच्चे को इधर रखा होगा, लेकिन अभी किसी दूसरे जगह पर लेके चला गया होगा। लेकिन इस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो बाहर का नजारा भाई देख लो, क्या सीन है, इसने पेंटिंग करके विंडो पे चिपका दिया। मैंने पहले ही बोला था ये किडनैपर कोई नॉर्मल किडनैपर नहीं होने वाला है, और इसके पीछे एक लाइट भी लगा के रखा है जिससे और भी रियलिस्टिक लगे। मेरे को ना पहले ही पता चल गया था विंडो देख के ही, क्योंकि भाई बेसमेंट के अंदर ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है। अभी मैं खतरनाक वाला बेसमेंट के अंदर आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से यही कहीं पर उस बच्चे को किडनैप करके रखा होगा उस किडनैपर ने। लेकिन इधर डोर लॉक्ड है, ये लीवर ऊपर नहीं जा रहा है। अबे भाई क्या हो रहा है भाई, पकड़ उसको, ग्लीच है गेम के अंदर पक्का ग्लीच है भाई, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लीवर ऊपर ही नहीं जा रहा है। गेट के ऊपर छोटा सा एक रेड लाइट है, एक सेकेंड भाई, मेरे को लगता है ना उस रेड लाइट को ग्रीन लाइट करना होगा, मेरे को ना इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करना होगा, शायद से ऐसा ही कुछ होने वाला है। मीटर बॉक्स तो इधर ही ओपन हो जा भाई, देखो इधर भी ग्लीच हो रहा है। क्या है भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या, ना उधर का हो रहा है ना इधर का हो रहा है। मीटर बॉक्स पे कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये अनलॉक नहीं हो रहा है। इस बार लीवर पे एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता ये इस बार ऊपर हो जाए, नहीं हो रहा है। और ये मीटर बॉक्स भी वैसा का वैसा ही है, होने नहीं वाला। अबे खुल जा भाई, कितना टाइम लगाएगा इतने टाइम बाद खुला क्यों भाई, बंद ही रहता तो अच्छा होता भाई। घर के ऊपर तो सही था, जब मैं बेसमेंट के अंदर आ गया तब तो बहुत ही ज़्यादा ग्लिच हो रहा है भाई, एक गेम अभी खेला नहीं जा सकता। अरे भाई ये खतरनाक वाला म्यूज़िक कहाँ से हो रहा है, मेरे को देख तो नहीं लिया ना, नहीं आसपास तो कोई भी नहीं है भाई, मैंने तो इधर लीवर दबाया नहीं, इसको शायद से मेरे को दबाना होगा। ये तो ऊपर ही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई तो ऑन है, तो इसे ऑफ करना होगा शायद से मेरे ख्याल से। अभी ये ऑफ होगा कल दो दिन बाद ऑफ ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ना ये गेम मोबाइल पर बहुत ज़्यादा ग्लिच होता है, तो अभी ये गेम कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो आज का गेम प्ले बस यहीं पर खत्म होता है, अगर तुम्हें गेम प्ले अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब यस से कर देना।